प्रणाम, ओम नमः शिवाय। प्रश्न आपने बहुत गंभीर पूछा है। कभी कभी आप ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि जिसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। अब आप खुद देखिए कि आप किस व्यक्ति से कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं एक योगी हूँ, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे योग मार्ग दिखाया और समाधि की तरफ गतिशीलता प्रदान की और हिमालय पर रहकर मैंने योग किया। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मैंने तंत्र यान को बहुत अच्छी तरह से जाना और सीखा। इसी कारण मेरे गुरु ने मुझे कुरान तक पीठ का पीठाधीश्वर बना लिया। लेकिन बावजूद इसके मेरी साधनाओं में अधिकांशतः वीराचारी चीजें रही। वीराचार, हड्डी दिखता हूं ना मैं पतला सा, लेकिन हूं बहुत खतरनाक। क्योंकि आपने मेरे बहुत सारे रूप देखे होंगे, प्यार भरा, लेकिन जिससे आप घबराते होंगे वो है मेरा गुस्सा स्वरूप। जब मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा, तो दिल करता है सब कुछ तोड़ फोड़ दूं, बस खत्म कर डालूं पूरी दुनिया को, जला डालूं, राख कर डालूं, कुछ बचे ही ना दुनिया में। प्रलयकारी स्वरूप लगता है कि वीरभद्र मेरे अंदर है, लगता है कि महाकाल मेरे अंदर है, लगता है कि साक्षात रुद्र मेरे अंदर है, और एक एक नाड़ी नाड़ी जो पतली पतली बनी है उसमें खून की जगह लावा बहने लगता है और दुनिया में कुछ नज़र नहीं आता। और आप ऐसे आदमी से पूछते हैं कि हम अपने गुस्से को कैसे नियंत्रण में रखें, तो है ना ये विचित्र बात। तो आप खुद बताइए कि मैं ये कैसे बता सकता हूँ। खैर, फिर भी आपने मुझसे पूछ ही लिया है, अब बताना तो पड़ेगा ही। तो देखिए, सबसे पहली बात कि क्या मुझे गुस्सा आता है, ये पहला मुख्य प्रश्न है। इसका सही उत्तर है नहीं, मुझे गुस्सा कभी 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 नहीं आता। लेकिन आप कहेंगे, अरे हमने तो आपको देखा है, आपको तो बहुत गुस्सा आता है, और आपके बारे में लिखा भी गया है, आपके बारे में कहा भी गया है, आप बहुत क्रोधी हैं, अति क्रोधी भी कहा जाता है आपको, हिमालय का अति क्रोधी योगी। अब सच्चाई ये है कि मैं कोई क्रोध वोध मुझको हावी नहीं कर पाता, मैं क्रोध करने का केवल अभिनय करता हूँ। अब ये सारा मामला क्या है, अभी आपको समझाना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ एक एक करके कि क्या है ये सारा माजरा, क्या है। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारी मनुष्य के भीतर की कमियों को। आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि कैसे गुस्से को नियंत्रण में किया जाए, और कुछ लोगों का मुझे ये भी प्रश्न मिला है कि कैसे वासना को नियंत्रण में किया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं उन्हें बहुत डर लगता है, वो इस डर को कैसे नियंत्रण में करें, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अपने ऊपर ही बस नहीं है, हम अपने आप को कैसे समझें। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि जितने भी सिद्ध योगी हैं वो इस रहस्य को जानते हैं कि मनुष्य मस्तिष्क और हृदय से संचालित होता है, और उसने जो जो चीज़ें सीखी हैं वो उसी ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जीता है। इसलिए जीवन को जीना, उन्होंने भी कहा कि सरल नहीं है उस व्यक्ति के लिए जिसको ज्ञान नहीं है, जो जानता नहीं है चीज़ों को। इसलिए सबसे पहले तो आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर ये क्रोध आता कहाँ से, आखिर ये वासना पैदा कहाँ से होती है, आखिर ये कमजोरियाँ हम में है क्यों, आखिर ये लोभ, ये लालच, इन इच्छाओं के वशीभूत पड़कर हम कैसे अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर देते हैं। तो इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी से उदाहरण देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक। हिमालय पर मैं अपने गुरु के सानिध्य में जब साधनाओं को सीख रहा था, इन आध्यात्मिक विषयों को जानने की कोशिश कर रहा था, उस समय मेरे साथ मेरे तीन गुरु भाई रहा करते थे, और हम लोग साथ में साधना करते थे, सब कुछ साथ में किया करते थे। अब हमारे बीच वाले जो गुरु भाई हैं वो बहुत चंचल वृत्ति के थे, वो कुछ न कुछ हमेशा उनके दिमाग में कुछ न कुछ उल्टा चलता रहता था। और जो हमारे बड़े वाले गुरु भाई हैं, सबसे बड़े, वो आम तौर पर शांत दिखते थे, कि भाई ज़्यादा कुछ शरारत करेंगे नहीं, कुछ उठपटांग उनके मन में आता नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह का उनका, जिनको आप कह सकते हैं कि जीवन दर्शन था, उनकी आदतें थी। तो जब भी कुछ गलत होता तो मुझे पता होता कि ये कौन करता है, हमारे बीच वाले गुरु भाई। कुछ भी गलत, मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं किसी तरह से, जंगल से मशरूम लेकर आए हैं, और अभी हम मशरूम को रख रहे हैं एक पात्र में जो कि हमने वहाँ अपने पास रखा हुआ है कुछ दिनों भोजन बनाने के लिए। अब वो क्या करेंगे कि उन अच्छे मशरूम के बीच में उन सारे एक आध कोई जंगली, उसी की तरह दिखता मिलता जुलता नकली वाला मशरूम, यानी जहरीला वाला मशरूम ला कर वहाँ रख देंगे जो कि खाने योग्य नहीं है। और जब हम बनाने लगेंगे तो कहेंगे, अरे देखा कौन लाया इन मशरूमों को, तो मैं कहूँगा जी मैं गया था आज, तो कहेंगे अच्छा
तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं, देखो इसके अंदर ये मशरूम कहाँ से आ गया। अब मुझे पता है कि ये जहरीला मशरूम है, मैं इसे लाने वाला नहीं हूँ, इसके अंदर नशा है, इसे करेंगे तो मुसीबत हो जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसी समस्या कि वो कहेंगे नहीं ये तुमने किया है। और इस तरह से एक बार दो बार तो आपके साथ जब हो तो आपको पता चल जाता है, लेकिन बार बार होने लगे तो फिर आपको पता चलता है ये षड्यंत्र कौन कर रहा है। और ऐसा बार बार होता था। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही संध्या का वक्त था, भोजन के लिए हम फिर बैठे हुए थे। उस दिन मशरूम नहीं थे तो जंगल से हम कुछ पत्ते लेके आए थे, वहाँ पर एक चौड़े पत्ते निकलते हैं जो साग की तरह बन सकते हैं, सब्जी बनती है उनसे। तो मैं उन पत्तों को लेकर के आया, खुद मैं लेकर के आया, और मैंने अपने जो सबसे बड़े गुरु भाई हैं उनको पकड़ा दी। मैंने कहा कि ये आप पकड़ लीजिए, आप इनको रखिए और मैं जाकर जल की व्यवस्था देखता हूँ। अब हमारे बड़े वाले गुरु भाई वो अक्सर शांत रहने वाले थे, और उसके बाद मैं जल लेकर के आया और हम सब लोग वहाँ बैठ गए और हमने अग्नि का वहाँ, आपको तो मालूम है कि भारत में जिसको आप कैंप फायर बोलते हैं, हम महात्माओं का कैंप फायर धुना होता है, तो धुने के ऊपर हमने भोजन बनाना शुरू कर दिया। और जब वो भोजन बनना शुरू हुआ तो मैं सब्जी काटने के लिए जब बैठा तो देखा, अरे इसके बीच में फिर से एक नया पत्ता आ गया है जो कि सब्जी का हिस्सा नहीं है। तो जबकि मैंने सब्जी निकाली और उसके बाद मैंने बड़े गुरु भाई को वो दी, तो आज ये बीच वाले गुरु भाई को ये कैसे पता चला कि सब्जी के बीच में फिर कुछ मिला देता हूँ। और वैसे ही वो आए मेरे बीच वाले गुरु भाई, और आते ही मुझे गुस्सा, नकली वाला गुस्सा, वैसे वाला गुस्सा नहीं, और मैंने उनको कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आज आपने फिर से इसके अंदर ये पत्ता डाल दिया। मैं ये शरारत बार बार सहने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सहने वाला। और फिर मैं उनके ऊपर भड़क गया, हालांकि उस तरह से नहीं भड़का जिस तरह से भड़कते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है आपकी, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, अगर आपने दूसरी बार ऐसी हरकत की तो मैं बहुत खतरनाक तरीके से आपके विरुद्ध हो जाऊँगा। लेकिन वो बेचारे अवाक रह गए, उनका मुँह खुला, और वो मुझे कह रहे मैंने डाला नहीं ये पत्ता, मैं जानता नहीं घास में ये कैसे इसके बीच में आ गया। तो मैंने कहा मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्यों? क्योंकि आपकी ये आदत बन चुकी है, हर रोज़ मजाक करते करते आप ये हरकत करते, और किसी दिन ये बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि मैं अगर ना देखूँ काटते समय तो ये जहरीला पत्ता हो सकता है ये भोजन में चला जाएगा, तो हम सबके प्राण जाएंगे, और आप भी तो सब्जी खा रहे हैं, आप भी तो परम धाम जाएंगे। तो इस तरह से, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि अचानक गुरुदेव वहाँ से आए और मैं उन पर भड़क रहा था, उनको कुछ कह रहा था, तो गुरुदेव पहुंचे, कहा इधर आओ। तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया और गर्दन नीचे करके पूछा क्या हो रहा है यहाँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा, फिर पूछा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हो क्या रहा है यहाँ। तो मैंने कहा कि सब्जी के साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, और लगातार ये मामला पहला नहीं है, कई बार ऐसा मामला हो चुका है, तो कब तक सहूंगा मैं, तो ये दिक्कत है। तो गुरुदेव ने सबको बुला लिया, अब हम सारे लाइन पे खड़े, अब क्या जवाब देंगे। तो सबसे पूछा गया मामला क्या है, तो फिर सब, अब उनके सामने भला कौन झूठ बोलने वाला, किसकी इतनी हिम्मत, तो सारे तोते की तरह बोलने लग गए। अब जैसे मैंने जो वहाँ जहाँ जहाँ मैं गया, जो मैंने काम किया, मैंने फटाफट तोते की तरह वो बता दिया। फिर बीच वाले गुरु भाई ने भी कहा कि मैंने जो काम किया सब बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पत्ता नहीं डाला। फिर सबसे बड़े गुरु भाई की तरफ गुरुदेव घूमे, तो उन्होंने चुपचाप गर्दन नीचे रख के कहा कि ये मेरी शरारत है, मैंने केवल शरारत करने के उद्देश्य से इस पत्ते को डाला था। तो मेरा मुंह खुला रह गया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं उस समय तो चुप रहा कि मन को यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है, क्योंकि वो इतने शरीफ, कभी कुछ करते नहीं, अचानक ये कौन सा शनि ग्रह घूम गया भाई, कौन सा राहु केतु आ गया। तो परेशान, और मैं मन में सोच रहा हूँ कि आज ये क्या हो गया, और मैंने न जाने क्या क्या कह दिया उनको। उसके बाद गुरुदेव ने मुझसे कहा कि ये मामला क्या हो रहा है। और तब जब ये सारा का सारा घटनाक्रम मेरे आंखों के सामने आया, और गुरुदेव ने जब सबसे पूछा, तो सारा मामला साफ होने में देर नहीं लगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमको पहले ये देखना चाहिए, गुस्सा करने से पहले, कि मामला क्या है, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये पत्ता इन्होंने डाला है, क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर है। ये कहने के बाद गुरुदेव ने कहा ठीक है, अब जाकर भोजन करो, लेकिन मुझे कहा कि तुम योगी हो, इसके विषय में ज़रा सोचना। अरे, और मैं आपको कैसे बताऊं, खाना तो खाया नहीं गया, उसके बाद हमने भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद गले से नीचे नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये मामला आखिर है क्या, और कैसे ये हो गया, क्योंकि वो तो बेचारे बीच वाले गुरु भाई तो आज निर्दोष, सच में निर्दोष थे, और मैं कैसे भड़क सकता था उनके ऊपर। लेकिन तब मैंने
कुछ गहराई से सोचा और मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा। और वो निष्कर्ष क्या था मालूम है? वो निष्कर्ष ये था कि मैंने अपना योगीपना खो दिया। और योगीपना क्या है? योगीपना है जागृत रहना, जागृत रहना हमेशा। और कहाँ जागृत रहना? अपने आप में जागृत रहना, हर चीज़ के प्रति जागृत रहना, चौकस चौकन्ना रहना और अपने स्वरूप में, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहना। और वो मैं नहीं रहा, मैं उनको नकली तौर से डांटने के चक्कर में अपने उस वास्तविक वृत्ति से बाहर आ गया, यानी कि मैंने अपने अस्तित्व को खो दिया। ये एक गंभीर समस्या थी। तो फिर ये प्रश्न पैदा हुआ कि मैं इस गुस्से को कैसे नियंत्रण में रख पाऊंगा, और यदि भविष्य में कोई ये पूछना चाहे, मुझसे पूछे कि क्रोध पर और वासना पर और भय पर, इन सब चीज़ों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, तो मेरे पास क्या सही उत्तर होगा? है ना कठिन? उफ, तो बहुत परेशानी हुई मुझे काफ़ी दिनों। मैं सोचता रहा पहले, लेकिन सोच सोच के बेकार में तनाव ही बढ़ रहा था। सोचने से भला इन चीज़ों का कोई हल निकल सकता है? शायद नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको तर्क दिया जा सकता है। जैसे कि मैं कहूँ अब तर्क देना है कि जब आपको गुस्सा आता है आप एक तकिया रखिए, जितना गुस्सा आता है अकेले में जाइए, कंट्रोल कीजिए, तकिए को मारिए। अब ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। अब आप कहेंगे कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं इस गुस्से को किसी चीज़ पर निकाल दूँ, क्योंकि एक ऊर्जा है, निकल जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसे सकारात्मक जगह, कुछ लोग कहेंगे इसे सकारात्मक जगहों पे लगाइए, जब गुस्सा आए तो कुछ पेंटिंग बनाइए, कुछ काम कीजिए, कुछ दौड़िए, व्यायाम कीजिए, योगासन कीजिए, कूदिए और जाकर तैरना सीखिए। ऐसी कई बातें हैं, अब मैं कितने उदाहरण आपको दूंगा। लेकिन ये चीज़ें जिनको आधुनिक भाषा में लोग कहते हैं कि ये एंगर मैनेजमेंट, ये आपके अंदर अगर वासना है तो वासना की मैनेजमेंट है, ये आपके अंदर कुछ भी है तो उसको वो ऊर्जा का नाम देते हैं और कहते हैं इसे मैनेज कर लीजिए। देखिए, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, बिल्कुल से भी नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये ऊर्जा है, अगर ये आपके भीतर की ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा किसकी है? देखिए, गुस्से की ऊर्जा या वासना की ऊर्जा या डर की ऊर्जा, ये पड़ोसी की ऊर्जा तो नहीं है ना, ये मेरी ऊर्जा है। तो इस पर पड़ोसी थोड़ी नियंत्रण रखेगा, इस पर तो मैं नियंत्रण रखूंगा। तो कोई दूसरा व्यक्ति या मेरा पड़ोसी मुझे गुस्सा कैसे दिलवा सकता है? क्योंकि गुस्सा होना तो मुझ पर निर्भर करता है ना जी। तो इसलिए मुझे अपने ऊपर देखना होगा कि इस गुस्से का केंद्र कहाँ है और कैसे मैं इस गुस्से को और इस डर को, इन वासनाओं को समझ सकता हूँ और इनसे कैसे मैं निपट सकता हूँ। इसका एक साधारण सा तरीका मुझे बहुत बाद में मिला, हालांकि मैंने इसे पहले खोज लिया अपने आप भी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इसका हल तो बहुत पहले महादेव एक छोटे से सूत्र से दे चुके थे, और वो था आंखें बंद करके ध्यान करना। आप कहेंगे ये क्या बात है, ये सच्चाई है। अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आप में वासना की अधिकता है, यदि आप में अनियंत्रित होते हैं, आप में चीज़ें नहीं रह पाती अपने आप में, तो इन सब का एक तरीका है और वो है ध्यान, क्योंकि ध्यान आपको अपने आप से जोड़ता है। अब मैं कैसे, अब मेरी कहानी को आप गौर से समझ लीजिए। जब मेरे एक गुरु भाई ने उस पत्ते को काट कर उसमें डाल दिया ताकि मैं उसको काट दूँ सब्जी के बीच में, एक परिहास के तौर पे, हालांकि वो मुझे बता देते बाद में, लेकिन मैंने ये कैसे सोच लिया कि ये मेरे दूसरे गुरु भाई ने, यानी बीच वाले गुरु भाई ने काम किया, जबकि ये बड़े ने किया था? क्योंकि मैं अपने पिछले ज्ञान को आधार मानकर चल रहा था कि हर रोज़ वो करता है तो आज भी इसी ने किया होगा। ये जो चीज़ें हैं, ये एक योगी का योगीपना नहीं, समझ में आया? ये हमारी कमजोरी है, इसलिए हम भूतकाल में न जिए या व्यर्थ कर प्राप्त किया हुआ ज्ञान अपने मस्तिष्क में रखकर उसके आधार पर त्वरित निर्णय ना दें, यही हमारी कमजोरी है। ये एक योगी का लक्षण नहीं है, ये एक अच्छा व्यक्ति से नहीं करता। एक प्रज्ञावान पुरुष पहले अपने भीतर स्थित रहता है, वो पहले पत्ता देखेगा, मुस्कुराएगा, फिर कहेगा देखिए आज फिर शरारत की, किसने किया बताओ, और फिर दोनों के चेहरे पर देखेगा तो समझ जाएगा कि किसकी शरारत है। उसे गुस्सा नहीं आएगा, वो जानता है कि इस क्रोध की शक्ति को कैसे जीतना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही मुझे पता चला कि इसमें पत्ता है तो मुझे बजाय क्रोध करने के पहले अपने उस स्वरूप में ही रहना होगा, क्योंकि मैं तो एकदम से न्यायाधीश बन गया। अरे पत्ता आ गया और मैंने अपना फैसला भी दे दिया। अरे एक न्यायाधीश भी पहले पक्षों को देखता है ना, उसके बाद निर्णय देता है ना।
लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। जैसे ही मुझे पत्ता मिला और मैं तो बस एकदम से अपना फैसला सुनाने लग गया। और यही जो तरीके हमारी कमजोरियां बन जाते हैं। आपको गुस्सा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी दुर्घटना कोई भी घटना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती यदि आप अपने स्वरूप को जानते हो, यदि आप उसमें स्थित रहते हो। तो कोई घटना हुई और आपने उसकी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि आप उसको भी जानने में लगे हैं, आपको मालूम है क्या होता है, जो आपकी ऊर्जा है ना, जो आपके भीतर क्रोध की ऊर्जा, जिसको ये कहते हैं कि इसको चैनलाइज करो, इसको एक रास्ते पे ले जाओ, उसको रास्ते पे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जब आप अपने स्वरूप में रहते हैं आपको पता चलता है कमी कहाँ से है, हो क्या रहा है, मामला क्या है। और जब आपको मामला समझ में आने लगता है तो क्रोध की ऊर्जा उस रूप में प्रकट नहीं हो पाती जिस रूप में वो विध्वंसकारी या नाशक होती है। तो केवल ध्यान से अपने स्वरूप से जुड़ जाना, तो इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। वो आपके मस्तिष्क को और आपके हृदय को एक साथ एक तार में जोड़ता है और आपके मूल स्वरूप से आपको जोड़ता है। ठीक यही बात मैं करता हूँ भय के साथ भी। देखिए डर, जिसको भय हम कहते हैं, फियर, जब हमें डर लगता है तो क्या होता है। वैसे तो प्रत्येक चीज़, चाहे डर हो, चाहे लोभ हो, चाहे काम हो, चाहे इच्छाएं हो, ये इसलिए हैं क्योंकि इनसे हमें आनंद की अनुभूति होती है, सुख मिलता है और हम सुख के लिए इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ठीक डर भी वैसा ही है। हम डर में डरते क्यों हैं? हम डरावनी फिल्में क्यों देखना चाहते हैं? हम डरावनी कहानी क्यों सुनना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि उस डर में भी कहीं मज़ा है और हम उस मज़े में जीते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जब ये डर आप पर हावी होने लग जाए तो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। आप निडर होकर कहीं जा नहीं पाते, आप निडर होकर अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते, तो डर आपकी कमजोरी बन जाता है। लेकिन ये डर भी कहाँ से पैदा होता है? अज्ञान से। अगर अंधेरे में आपको कोई डरावनी चीज़ दिखाई देने लगे और आप उसके बारे में न जानते हो ये क्या है, तो आपको डर पैदा हो जाता है, खौफ कि भागो यहाँ से, शायद ये कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नुकसान पहुँचा दे। इसीलिए जो लोग भूत प्रेत को नहीं जानते, मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी जीवन में भूत प्रेत नहीं देखा है, आप अचानक भागो वहाँ से, चिल्ला के भूत आया, तो क्या वो भागेगा? बिल्कुल नहीं भागेगा, उसे पता ही नहीं क्या मामला है। ठीक वैसे ही अगर कोई शहर का बच्चा है जिसे पता ही नहीं कि शेर और भालू कितने नुकसानदायक हो सकते हैं, आप उनको जंगल में भेज दो और अचानक बाघ आ जाए और वहाँ गाँव के बच्चे हों, वो तो देखते ही रफू चक्कर हो जाएंगे, लेकिन ये बच्चा देखता रहेगा कहाँ है शेर। इसका मतलब है कि आपका जो भय भी है ये आपके द्वारा निर्मित है, आप चीज़ों को बनाते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि शेर बेहद खतरनाक है तो वो जीवन का भय आपके अंदर उस भय को बढ़ा देता है। तो ये ज्ञान आपको सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भय को उत्पन्न करता है, लेकिन कभी कभी ये भय अकारण हो जाते हैं। तो इसलिए इस भय के ऊपर आपका नियंत्रण है, आप इसके सृजक हो, आप इस भय के निर्माता हो, तो फिर भय से भयभीत क्यों हो रहे हो भाई? जब आपने इसे बनाया तो खत्म कर दो ना इसे, क्योंकि वो नकली है, आपने कल्पनाओं में बनाया है उसे, और वो कल्पनाएं वो व्यक्ति ज्यादा करता है जो अपने अस्तित्व को नहीं जानता, जो अपने अस्तित्व से जुड़ गया है ध्यान के द्वारा, उसको भय नहीं हो पाता फिर। क्यों? उसके लिए सारी जो काल्पनिक तत्व है वो छूट जाते हैं। भूत तब खतरनाक हो जाता है जब हमारे सामने वो खड़ा हो जाता है, और खड़ा कैसे होता है? हमारा मन उसे खड़ा कर देता है। इसलिए मैंने पहले भी आपको समझाया है, जब मन हो मजबूत तो क्या कर लेगा भूत। इसलिए आपको बहुत मजबूत रहना पड़ता है और इस तरह से आप जीतते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद है अपने बचपन की, आपको फिर बताता हूँ। हम अक्सर अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ खेलने जाया करते थे, तो हमारे वहाँ हिमालय के क्षेत्रों में अलग अलग तरह के देवी देवता होते हैं, छोटे छोटे देवी देवता, कोई घास का देवता, कोई जीव जंतु जानवरों का देवता, कोई बकरियों का देवता, कोई गाय बैल और भैंस को संभालने वाला देवता, तो कोई अनाज की रक्षा करने वाले देवी देवता, इस तरह के बहुत सारे। तो एक जगह एक नाले में जहाँ पानी आता था वहाँ पर एक और देवता था जिसको वो लोग कहते थे कि ये राक्षस देवता है और ये बहुत डरावना देवता है, तो हम लोग डर के मारे उस तरफ जाते नहीं थे। लेकिन हमारी ही उस जो मित्र मंडली होती है वहाँ, आपको मालूम है ना, कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही उदंड किस्म के होते हैं, जिनको कुछ लेना देना नहीं होता है। तो एक हमारे बीच में भी एक बिगड़ैल उदंड मित्र था, तो मैं पहले खुद भी घबरा रहा था थोड़ा थोड़ा कि अरे इस तरफ नहीं जाना है। लेकिन उसने कहा बहुत हो गया, आज चलते हैं ना शाम को, रात को वहाँ देखते हैं क्या होता है वहाँ। मैंने कहा
मैं तो चलने को तैयार हूँ, लेकिन ये बाकियों से पूछ लो कि कौन कौन चलेगा। तो गांव के लड़के बाकियों ने कहा ना, हम किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हैं। फिर वो अपनी अपनी कहानियाँ बताने लगे कि वहाँ अमुक आदमी गया था, वो उसको उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। तो डर बढ़ गया, लेकिन फिर भी क्या करते, अब कह तो दिया था कि जाना है। तो मैं अपने उस मित्र के साथ मैंने कहा ठीक है, अब हम दो चार लोग तो चलेंगे ही, आधे तो पहले ही हट गए। फिर हम चार पांच लोग चले गए, लेकिन आधे रास्ते से दो और कम हो गए, कहने लगे नहीं हमें डर लग रहा है। फिर बच गए एक दो और, वो रोने लग गए कि नहीं हमको तो डर लग रहा है, हम तो वापस जाएंगे, हम नहीं जाने वाले तुम्हारे साथ। वो भी वापस हो गए, बच गए हम दो। अब घबराहट तो दिल में मुझे भी हो रही थी कि क्या करें। फिर मैंने उसको पूछा तुमको डर लग रहा है, उसने कहा मामूली मामूली डर तो है, पर देखेंगे ना आगे, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा बात तो सही है, आज देखा जाएगा कमबख्त, क्योंकि मेरी दादी भी कहती थी कि इसके दांत बड़े लंबे हैं और इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, नाखून इतने लंबे लंबे हैं, तो आज देखते हैं। तो जब हम ज़्यादा नज़दीक पहुँच गए तो डर और बढ़ गया। तो फिर क्या करते, मैंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं एक एक डंडा ले लेते हैं। तो हमने एक लकड़ी का लट्ठा वहाँ पड़ा हुआ था, मैंने एक मैंने ले लिया, एक उसने ले लिया, और एक एक पत्थर हाथ में ले लिया और वो छुपा के रखी कि अब अगर ये वहाँ दिखाई देता है तो मैं डंडा लेके सीधे उसके दांत पे ऐसा मारूंगा कि याद रखेगा वो, और पत्थर भी साथ में है। तो थोड़ी हिम्मत बढ़ गई और हम वहाँ गए, और झरने की आवाज़ आ रही है, रात को एकांत है बिल्कुल हिमालय के जंगल। तो ऐसे ही वो अगर आपने कल्पनाएं कर रखी है तो डरावना लगेगा। जब मैं नज़दीक पहुँचा, हम दोनों वहाँ पहुँचे, तो कहा कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन घबराहट हो रही थी। तो उसने कहा कि आज इस राक्षस को चुनौती देनी है। तो मैंने कहा कैसे दोगे, वो ऊपर गया और जहाँ उसका वो सामान रखा हुआ था, कुछ लोहे लोहे वगैरह का सामान रखा, तो वहाँ जाके बैठ गया और वह उसने डंडा ऐसे रख दिया और कहा अब देखते हैं इसकी ऐसी के तैसी, आने दे इसको ज़रा। मैंने कहा यार ये तुम खतरनाक कर रहे हो भाई, खतरनाक किस तरह, चुनौती तो नहीं देनी चाहिए कम से कम। उसने कहा देखा जाएगा, तुम अपना डंडा संभाल के रखो। मैंने कहा ठीक। ये हरकत हमने की, वहाँ दो तीन घंटे बैठे रहे, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद देखा कि झाड़ी हिल रही, और जैसे ही झाड़ी हिली एकदम से हम तैयार, अब तो छोड़ेंगे नहीं इसको बिल्कुल से। जोर से मारा तो देखा वहाँ कुछ नहीं, एक गिरड़ी निकल कर उधर से भाग गई और कुछ था नहीं, वापिस आए। उसके बाद अगले दिन कुछ और मित्रों को लेके आए, उसके बाद और मित्रों को लेके आए, और उसके बाद आपको मालूम है कुछ दिनों के बाद जब भी हमने कुछ खाना पीना होता था रात को, जैसे हम लोग किसान थे तो अब मक्खी उगाते थे, तो मक्खी का जब सीज़न आता है तो उसको भुट्टों को तोड़कर आग जलाकर उसको भूनते थे लकड़ियों में और फिर खुद खाएंगे, तो घर वालों से गाली ना पड़े इसलिए नमक नींबू हरी मिर्च ये सब घर से चुरा कर लेके आएंगे जेब में छुपा कर, और मक्खी का भुट्टा लेकर चोरी 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 चुपके चुपके वहाँ जाएंगे, और वहाँ फिर हम आग जलाते थे और भुट्टे को पका कर फिर वहाँ खाएंगे उसे। तो फिर हमारा वो भूत की वाली, वो भूत वाली जगह हमारे लिए भुट्टा पकाने की जगह बन गई। उसके बाद कभी कोई डर ही नहीं लगा। ये ज़िंदगी है, इन चीज़ों से हमने सीखा कि डर हमारे बनाए हैं, जिस दिन हम इन डरों को छोड़ना शुरू कर दें उस दिन आपका भूत वाली जगह भी भुट्टे खाने की जगह बन जाती है, रोमांटिक प्लेस हो जाता है। अरे वाह क्या बात है ये। तो इसलिए इस चीज़ को गौर से अपने जहन में बिठा लीजिए। वैसी वासना है हमारे अंदर, वासना है। एक विचित्र चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अध्यात्म के पथ पर हूँ तो लोग हर तरह के मेरे पास आते हैं, बचपन से ही आते रहे जब से मैं पीठाधीश्वर बना। एक महाराज आ गए, उनको वासना की समस्या, उनको कोई वासना ही पैदा नहीं हो रही। वो कह रहे जी मेरे पास पत्नी है महाराज जी, लेकिन मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, इस वजह से मेरी गृहस्थी चौपट होने के कगार पे है। तो मुझे लगा बड़ी विचित्र बात है। जबकि मेरे पास अन्य लोग आते थे, वो ये कहते थे कि हमारे अंदर बहुत वासना है, हम इसको रोके कैसे। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु आखिर आपका जीवन में हुआ क्या है। तो जब उनकी पूरी कहानी पता चली तो निष्कर्ष ये था कि उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं दुख भरी हो रही थी कि इतना दुख जीवन में आ गया, इतना कष्ट जीवन में आ गया कि सारी ऊर्जा उस दुख में उस कष्ट में जा रही, जिसकी वजह से भीतर वासना ही नहीं रही और वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। तो मैंने उनको कुछ मंत्र दिए और मैंने उनको कुछ विधियां बताई और योगाभ्यास बताया, वो योगाभ्यास करते रहे और मैंने ध्यान करने को कहा। कुछ ही समय में वो ठीक हो गए और मेरे पास आकर कहे कि हाँ अब मैं उस ऊर्जा को पुनः अनुभव कर रहा हूँ। तो मैंने इस चीज़ से भी निष्कर्ष निकाला कि देखिए हमारी जो वासना भी है ये भी ऊर्जा का एक स्वरूप है, और ये भी इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपकी मनोदशा कैसी है। अगर आप सुखी शांत स्वस्थ हैं तो आपकी वासना बढ़ती रहेगी,
लेकिन यदि आप गंभीर चिंताओं परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपका दौर बहुत खराब चल रहा है, मान लीजिए आपकी प्रेमिका आपका दिल तोड़ के चली गई, फिर वासना आएगी? असंभव। यदि आप सच्चा प्रेम करते होंगे तो हो ही नहीं सकेगा। आपके माता पिता हैं घर में, यदि आपके दादा दादी हैं, उनमें से किसी का प्राणांत हो जाए तो क्या वासना जगेगी? हाँ, यदि आप उनसे सच्चा प्रेम करते होंगे तो वर्षों तक उसके जगने की संभावना ही नहीं, क्योंकि आप दुख से घिरे होंगे, तो ऐसे दुख आपको तोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वासना भी आपके मन के साथ जुड़ी हुई है। तो यदि आपका ये मन, आप इसके षड्यंत्रों को, आप इसके कार्य करने की प्रणाली को समझ जाएं, तो ये चीज़ें न केवल भय पर, न केवल वासना पर, न केवल क्रोध पर, न केवल लोभ पर, लोभ भी तो ऐसा है कि अगर मैंने किसी के पास देखा, अरे इसके पास इतना सुंदर वाहन है, मुझे भी चाहिए, ये बात कहाँ से आई, मुझे भी चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि वो वाहन वाला भी आदमी सुखी नहीं है, उसे लगता है कि शायद मैं सुखी हूँ, वो सुखी होने का अभिनय कर रहा है, अभिनय मतलब वास्तव में सुखी नहीं है, उसने मान लिया है कि वो सुखी है, केवल मान लिया है, वास्तव में वाहन में कोई सुख नहीं। ठीक वैसे ही यदि आप ये मान लो कि आप जंगल में वृक्ष पर सुखी हैं, तो आप सुखी हैं। कई देशों में ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो करोड़ों अरबपति हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे घर, जिनको देखने के लिए आप तरसते होंगे, उन्होंने वो छोड़ दिए और जंगल में खुद पत्थर से बना रहे हैं घर, मिट्टी से लेपाई कर रहे हैं, एक छोटा सा घर बनाया है 10x10 का, उसमें रह रहे हैं चटाई बिछाकर, और ऐसे जी रहे हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े शहंशाह होंगे, उनके जीवन का सर्वोच्च सुख ये है। अब हम बेचारे देखिए बचपन से साधना कर रहे हैं, उसके पास 10x10 का कमरा तो था, हम तो कहीं पत्थर का कि कोई ओट मिल जाए वहीं रात गुजार दी, कोई झाड़ी मिल जाए इसके नीचे ही रात गुजार दी, और कभी कभी तो इतने बुरे हालात कि बर्फ के बीच में ठिठुर ठिठुर कर रात बिताई। लेकिन आपको लगता होगा कि वो चीज़ें दुखदाई हैं, हम क्यों बिताते थे? क्योंकि हमें उसमें सुख मिलता था। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हमें ज्ञान मिल रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं, तो मन में उत्साह था, इसलिए वो चीज़ भी स्वर्ग का सुख बन गई। तो वो अमीर व्यक्ति उनको छोड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके मन ने ये कल्पना कर ली है कि ये चीज़ें व्यर्थ हैं, प्रकृति में रहना है, प्राकृतिक तौर से रहना है, इसलिए वहाँ रहना उनके लिए खुशी की बात होगी। लेकिन आप यदि उन चीज़ों के प्रति आसक्त हैं तो आपको खुशी वहाँ मिलेगी। इसका मतलब है कि ये जो लोभ भी है, इच्छाएं भी हैं, ये भी कहीं ना कहीं हृदय संचालित करता है। मैं देने को बहुत तर्क दे सकता हूँ, बहुत ऊर्जा है मेरे अंदर समझाने की भी, कि देखिए गुस्से को इस तरह से उत्पत्ति होती है, इस तरह से इसको नष्ट किया जा सकता है, इस तरह से इसको आगे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, इसको मार्ग दिया जा सकता है। लेकिन मैं ये सब ज़्यादा प्रपंच में आपको नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि फिर 5 चीज़ें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर आपको एक एक चीज़ पर मुझे समझाना पड़ेगा, एक एक चीज़ के विस्तार में जाना पड़ेगा, और मैं कोई फिलोसोफर तो हूँ नहीं दर्शन शास्त्री कि आपको मैं तर्क दूँ, दर्शन दूँ। मैं सीधे सीधे आपको जीवन दर्शन की केवल छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इन सब पर आपका नियंत्रण है, वो ज्ञान से, इनके बारे में जब आप जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और इसका कारण क्या है, तब आप इसको समझ पाते हैं। और दूसरी चीज़ कि जब आपको इन पर विजय प्राप्त करनी है, विजय का मतलब ये नहीं कि आप इनको नष्ट कर दोगे, ये ऊर्जा है, इनको अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो तो ध्यान करो, अपने भीतर उतर जाओ और अपने वास्तविक स्वरूप में रहो, तब क्रोध को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, क्रोध स्वतः नियंत्रित हो जाएगा, तब वासना को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः नियंत्रित होने लगेगी। क्यों? क्योंकि तब आप खुद इनके मालिक हो जाते हो, तब मैं निर्धारित करता हूं कि मुझे गुस्सा किस पे करना है, ये तो मेरे ऊपर है ना। एक छोटा सा उदाहरण, अगर मेरे गुरु हिमालय पे बर्फ का एक गोला बनाकर मेरे सर पे फेंकते हैं इधर और मुझे जोर से लगती है, तो क्या मैं गुरुदेव के पास जाके बोलूंगा, अरे गुरुदेव तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि मेरे सर पे बर्फ का गोला फेंका? बोलूंगा क्या? नहीं, अगर उन्होंने फेंका दिया और लग भी गया तो कोई बात नहीं, और मुस्कुरा के नीचे, इसका क्या मतलब? और जब मेरा गुरु भाई बर्फ का गोला फेंके और इधर मुझे लग जाए उसके बाद, फिर देखो इसका मतलब ये है कि मेरा जो क्रोध है इसको मैं नियंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरु है साक्षात, कुछ बोल दिया तो भी घर भेज देंगे, इनका तो कोई नुकसान होने वाला नहीं, खामखा मेरा नुकसान हो जाएगा, मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है, ज्ञान प्राप्ति का अवसर मुश्किल से मिला है, तो मैं कैसे रहूँगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अच्छा बच्चा, सुंदर वाला बच्चा है ना, जिस इसलिए अच्छा बच्चा बना रहूँगा। इसका मतलब है कि भीतर क्रोध तो था लेकिन वो प्रकट नहीं हुआ, वो अंदर ही मर गया, और जब गुरु भाई ने किया तुम इधर आओ,
इधर आओ तो सही मेरे पास, जरा दो गोले मारेगा, मैं बड़ा वाला गोला मारूंगा, ये मारेगा 10 गोले और मारूंगा, कब तक मुझसे बचेगा? कभी न कभी तो मैं इसको लपेटे में ले लूंगा, क्योंकि उतना भी ताकतवर नहीं है, मैं इससे निपट सकता हूँ। अगर आपके सामने ताकतवर आदमी हो, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा 6-7 फुट बड़ा आदमी, बड़ी जिसकी देह हो, ठीक, अगर वो आपको जरा सा धक्का दे दे ऐसे भीड़ में ढूंढ, तब मुस्कुराते हुए निकल जाएगा, सॉरी, आपको पता है कि कुछ नहीं करेगा। एक बेचारा मेरे जैसा सूखा हुआ ऐसा आ रहा है, छुहारा, सूखा हुआ छुहारा ऐसे, और उससे धक्का लग गया तो घूर के देखोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप इस गुस्से को नियंत्रित कर रहे हो, आप उसका अभिनय कर रहे हो। इसलिए जब आप इस ऊर्जा को समझ जाते हो और जब आप अपने चित्त की वृत्ति में आ जाते हो भीतर, तब ये चीज़ें स्वतः नष्ट होने लगती हैं। इसलिए इन चीज़ों के प्रति आपको चिंतित नहीं होना है, केवल इसको जानना है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, तब आप इन चीज़ों को आसानी से समझने लग जाओगे, तब अभिनय हो जाता है। जैसे कि महर्षि दुर्वासा, भृगु, मैंने आपको बहुत सारे भगवान परशुराम जैसे अनेकों ऋषियों के उदाहरण दिए हैं जो कि अति क्रोधी हैं, जिनके नाम से लोग थर थर कांपते थे। आज भी बहुत सारे साधु सन्यासी भगा देंगे, जैसे हमारे गुरु अत्यंत क्रोधी, न जाने क्या क्या बोल दें एक बार में, लेकिन वो सब उनका अभिनय है, वो क्रोध का भी इस्तेमाल करते हैं। योगी हैं, अति चतुर योगी, अति निपुण योगी, सिर्फ हमें परखने के लिए, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक गुस्सा होता नहीं है, ठीक। तो ये एक राज की बात है, मैं चाहूँ तो बहुत विस्तार से समझाऊँगा जब, अगर आपको समझना है भविष्य में कभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतने भी ना समझ हैं कि आपको ना ये बात समझ में नहीं आने वाली, आप सब जानते हैं, बस मैंने केवल इशारा किया है। इसलिए इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए ध्यान में उतरने की कोशिश करना, एक तो इन विषयों का ज्ञान लेना कि कहाँ से ये उत्पत्ति हो रही है, इसे भीतर देखो, और इससे कैसे निपटा जाए केवल ध्यान करके। जब आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो आप त्वरित निर्णय नहीं लोगे, और जब त्वरित निर्णय नहीं लोगे तो गुस्सा उस रूप में कभी प्रकट नहीं होगा जिससे वो गुस्सा लगे। गुस्सा होगा क्योंकि तो ऊर्जा है, वासना हर कहीं उस उपस्थित नहीं हो जाएगी, वो रहेगी आपके भीतर लेकिन उपस्थित नहीं हो पाएगी जब तक कि आप न चाहें, समझ में आ गया। और लोभ भी वैसे उपस्थित नहीं होगा, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास, पड़ोसी के पास कार आ गई तो आपको हार्ट अटैक होने लगता है कि उफ, अब मैं करूं तो करूं क्या, आप तनाव से ही मर जाते हो। इन चीज़ों को समझना है और इनको अपने भीतर से जानना है, आपकी ज़िंदगी बदली हुई ही है, आप अपने आप में सम्राट हो, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि सुख बाहर से नहीं आपके अंदर से आ रहा है। तो जियो ना ज़िंदगी को, भरपूर तरीके से जियो, मस्ती से जियो, आनंद से जियो, जो भी चीज़ तुम प्राप्त करना चाहते हो वो ज्ञान से प्राप्त कर सकते हो। ज़िंदगी सुखी केवल ज्ञान से और वास्तविकता को और स्वयं को जानकर होती है। इसलिए ध्यान में उतरना, चीज़ों को छोड़ देना, यही सच्चाई है और आसान सा उपाय भी। फिर मिलूंगा, ओम नमः शिवाय, प्रणाम।